नमस्कार दोस्तों, रावण स्टॉक मार्केट में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले एक बैंक सेक्टर के स्टॉक के बारे में जिसका नाम है येस बैंक। तो उसके ऊपर बहुत ही बड़ी न्यूज़ है। जो भी न्यूज़ है येस बैंक के लिए आने वाले दिन जो रहेंगे उनके लिए बहुत ही बड़ी अच्छी रहेगी, क्योंकि लगभग यहाँ पे बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ मानी जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं ऐसा कौन सा न्यूज़ है। न्यूज़ को देखने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देके ये बताना चाहूँगा, अगर आप कोई भी स्टॉक लेते हैं तो खुद का स्टडी ज़रूर कीजिए, उसके बाद स्टडी करने के बाद बाय और सेल का डिसीजन ले सकते हैं। आप लोगों को पता रहेगा एक ज़माने में येस बैंक बहुत ही बड़ी थी। इसका स्टॉक प्राइस भी देख सकते हैं आप लोग, लगभग 400 रुपये के आसपास चला गया था 2020 में। वहाँ से उसमें बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया, स्कैम हो गया, उसके बाद स्टॉक गिर के लगभग 5 रुपये तक चला गया था। वापस से रिकवरी होकर लगभग 13 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो जैसे कि येस बैंक जो डूबने का जो मेन रीज़न था क्या, उसने बहुत सारे कॉरपोरेट जो कंपनी रहते उनको बहुत बड़े बड़े लोन देके रखे थे, जो लोन है वापस रिकवर नहीं हुए थे, उसकी वजह से बैंक डूब गई थी। तो न्यूज़ जो है आज का उसी के ऊपर आज का न्यूज़ है। न्यूज़ को देखने से पहले मैं आपको सिनेरियो बता देता हूँ, तो नए लोगों को समझने के लिए बहुत ही आसानी होगी। तो यहाँ पर सिनेरियो बता देता हूँ क्या हो सकता है। फॉर द एग्ज़ाम्पल, आपने किसी दोस्त को, ए नाम के दोस्त को यहाँ पे पैसा दिया है, वो पैसे की अमाउंट है 1000 रुपये। तो आप लोग क्या करेंगे, आपके दोस्त को पैसे मांगेंगे, आपका दोस्त फॉर द एग्जांपल पैसा दे ही नहीं रहा, आज दूंगा कल दूंगा ऐसे करके वो आपको बहुत तकलीफ़ दे रहा है। तो आप लोग क्या सोचेंगे, ये पैसा आएगा कि नहीं पता नहीं। तो उसके बीच में क्या हो जाता है, आपका बी नाम का दोस्त आ जाता है और आपको बोल देता है मैं उसमें से ज़्यादा अमाउंट तेरे को रिकवर करके दूंगा, लेकिन उसमें से मुझे 200 रुपये देना पड़ेगा। तो आप लोग क्या बोलोगे, ठीक है मुझे 200 रुपये उसको दे के जो भी अमाउंट है मैं रख लूँगा। तो जो बी नाम का दोस्त है ए के पास चला जाएगा और ए के दोस्त को बोलेगा देखिए यहाँ पे आप कितना यहाँ पे अमाउंट दे सकते हैं। अगर ए नाम का दोस्त बोलता है ठीक है मैं ज़्यादा से ज़्यादा तेरे को 700 रुपये दे सकता हूँ, तो आप लोग क्या करोगे, जो बी नाम का दोस्त है वो क्या करेगा, 700 रुपये लेगा और आपके पास आएगा, बोलेगा इसने मुझे 700 रुपये दिए, उसमें से 200 रुपये मुझे दे दे कमीशन करके और 500 रुपये रख ले। तो आप लोग क्या सोचेंगे, ठीक है पूरा 1000 रुपये डूबने से अच्छा एटलीस्ट मुझे 500 रुपये तो मिल गया, तो आप लोग 500 रुपये लेके खुश हो जाएगा। इसमें से ए नाम का दोस्त भी खुश हो जाएगा क्योंकि उसका पूरा कर्जा नील हो गया, और बी नाम का दोस्त भी खुश हो जाएगा क्योंकि उसको 200 रुपये मिल रहे कमीशन के तौर पे। तो ऐसे एक स्ट्रैटेजी रहती है कर्जा वसूल करने के ऊपर। तो आज का जो येस बैंक का न्यूज़ है उसी के ऊपर न्यूज़ है, क्या है मैं आपको एग्जैक्टली बता देता हूँ। आप लोगों को पता रहेगा जो येस बैंक ने कॉरपोरेट जो है कंपनी उनको बहुत भर भर के लोन बांटा था, उसमें से DHFL था, येस बैंक था, ऐसे बड़े बड़े ग्रुप्स थे, उनको उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा दिया था। तो वापस से वहाँ पे जो लोन रिकवर नहीं हुआ उसके से जो लोन है बैड लोन्स में चला गया। बैड लोन्स मतलब जो भी लोन कवर नहीं होता उसको बैड लोन्स में जाता है एज़ पर RBI गाइडलाइंस। तो उसके ऊपर जो आज का न्यूज़ है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कॉर्पोरेट लाइफ में कैसे रहते हैं, अगर कोई बैंक ने किसी को कर्जा दिया है दूसरे कंपनी को और जो कंपनी कर्जा वापस नहीं दे रही, तो वहाँ पे एक ARC कंपनी आती है बीच में। ARC मतलब क्या रहता है, असेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी करके रहती है। वो कंपनी क्या करती है, सीधा दूसरे कंपनी के पास जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे पैसा यहाँ पे रिकवर करने की कोशिश करेगी और बैंक को ला के देगी। जो मैंने पहले सीनियर दिया था वैसे सेम रहते हैं, थर्ड पार्टी आते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे रिकवर करते हैं, उसमें जो कुछ कमीशन लेते हैं और अपना कमीशन कमा लेते हैं। तो उसी के ऊपर न्यूज़ है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो CEO है येस बैंक के प्रशांत कुमार करके, उन्होंने बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने बोला है जो भी बैड लोन से येस बैंक के वो जो ARC कंपनी को यहाँ पे पास किए जाएंगे, ट्रांसफ़र किए जाएंगे। तो आगे न्यूज़ को पूरे डिटेल में पढ़ सकते हैं, यहाँ पे नीचे पढ़ सकते हैं जो 31 मार्च 2022 तक येस बैंक का बैड लोन्स कितना था, लगभग 28,000 करोड़ का यहाँ पे बैड लोन्स में अटका है जो अभी तक इनको रिकवर नहीं हो रहा है। जो भी बैड लोन्स है अभी आगे जाके ARC कंपनी को यहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाएगा, मतलब वहाँ पे जो ARC कंपनी यहाँ पे कुछ कमीशन लेगी। कितना कमीशन लेगी आगे न्यूज़ को पढ़ सकते हैं पूरे डिटेल में। यहाँ पे एक सीनियर रहता है, जो भी बैड लोन्स है, फॉर द एग्जाम्पल बैड लोन्स कितना है येस बैंक का, यहाँ पे 28,000 करोड़ बैड लोन्स है, मतलब सोच सकते बहुत ही बड़ा बैड लोन्स है। तो उसके ऊपर जो अलग अलग ARC कंपनी है तो यहाँ पे बिड लगाने की कोशिश करते हैं, कौन इसका जो कर्जे को ख़रीदने की कोशिश करेगा। जो भी ज़्यादा से ज़्यादा बिड लगाएगा वो जो 28,000 का कर्जा है उनको ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो उसके ऊपर जो है सर्वेस कैपिटल करके जो ARC कंपनी है उन्होंने यहाँ पे बिड लगाई थी, लगभग 12,000 करोड़ का यहाँ पे बिड लगाया था। तो सर्वेस कैपिटल क्या करेगी, तो DHFL के पास जाएगी, अभी तो ये पिरामिड ग्रुप के पास चला गया DHFL, तो उनके पास जाएगी। उसके बाद रिलायंस जो अनिल अंबानी की कंपनी है उनके पास जाएगी और 28,000 में से ज़्यादा कर्ज यहाँ पे रिकवर करने की कोशिश करेगी। उसमें से फॉर द एग्जांपल 20,000 करोड़ यहाँ पे रिकवर हो जाते, तो उसमें से क्या होगा, इन्होंने कितना बोला है,
बिड लगाया था 12,000 करोड़ का, उसमें से 12,000 करोड़ काट लेगी और जो बाकी के 8,000 करोड़ ही बचे वो यस बैंक को दिया जाएगा। तो आप लोग बोलेंगे इसमें यस बैंक का फायदा क्या? देखिए पूरा 28,000 कर्जा डुबाने से अच्छा है एटलीस्ट उनको 8,000 तो मिल रहा है, एक बहुत ही बड़ी बात होती है बैंक के लिए, एटलीस्ट उसको कुछ तो मिल रहा है, एक ऐसा पॉजिटिव पॉइंट्स रहते हैं। अगर ऐसा होता है तो यस बैंक में बहुत बड़ी उछाल आ सकती है आने वाले समय में। देखिए अगर आप 10-12 रुपये का कोई पेनी स्टॉक ढूंढ रहे इससे अच्छा आप यस बैंक के ऊपर दाव लगा सकते थोड़ा बहुत ही, लेकिन क्योंकि यस बैंक डूबने के चांसेस बहुत ही कम है क्योंकि इसके ऊपर आरबीआई का हाथ है, आरबीआई ने इसको बचाया था 2020 में, इसमें बहुत बड़े 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 इन्वेस्टर का पैसा लगा है, जैसे कि जो है दमानी है डीमार्ट के ओनर, उन्होंने पैसा लगाया है, HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, SBI बैंक है, उन्होंने बहुत सारा पैसा यस बैंक में इन्वेस्ट करके रखा है। तो डूबेगा तो नहीं लेकिन यहाँ पे रिस्क तो रहेगा क्योंकि अभी तक ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी ने लॉस मेकिंग कंपनी, जिस दिन ज़्यादा से ज़्यादा नेट प्रॉफिट बनाएगी यस बैंक उस दिन जाके आप इसमें ज़्यादा पैसा लगा सकते, लेकिन धीरे धीरे करके पैसा लगाना पड़ेगा। अभी अगर आपको यहाँ पे पैसा लगाना है बहुत ही कम यहाँ पे पूंजी लगानी पड़ेगी, 500-1,000 रुपये लगा के चल सकते। ये तो था आज का वीडियो, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं।